नमस्कार, मैं स्नेहा, एक्सट्रीम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। एक ही रात में नाबालिग से दो बार गैंगरेप। नाबालिग लड़की को अगवा कर उससे एक ही रात में दो बार गैंगरेप किए जाने की वारदात सामने आई है। 29 जुलाई की रात हुई इस वारदात से शहर पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। सीतामढ़ी पुलिस ने केस दर्ज कर सूत्रधार, ऑटो चालक सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें मोहम्मद शाहनवाज उर्फ साना मोहम्मद रसीद, मासूम शाह तकिया मोहम्मद तौसीफ मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद मुशीर का समावेश है। ये सभी मोमिनपुरा निवासी हैं तथा एक व उनके अन्य साथियों की खोज की जा रही है। पीड़ित 17 वर्षीय नाबालिग के माता पिता गरीब तबके के हैं। भाभी द्वारा डांटे जाने से 29 जुलाई की रात नाबालिग घर से मेडिकल चौक पहुंची। वहां परिचित ऑटो चालक से सीतामढ़ी छोड़ने को कहा। उसने नाबालिग को मानस चौक पर छोड़ दिया। वहां वारदात के सूत्रधार ऑटो चालक साना की नाबालिग पर नजर पड़ी। बातचीत करने पर उसे नाबालिग के परेशान होने का पता चला। मदद करने का झांसा देकर वह नाबालिग को ऑटो में बिठाकर मोमिनपुरा की ओर ले जाने लगा। मार्ग में उसने नाबालिग को शराब पिलाई, खुद भी शराब का सेवन कर उसे एक कमरे में ले गया। वहां अपने 3-4 मित्रों को भी बुला लिया। साना सहित 4 लोगों ने उसे हवस का शिकार बनाया। इसके बाद उसे ऑटो में बिठाकर मेयो अस्पताल चौक पर छोड़ दिया। वहां 2 ऑटो चालकों की नाबालिग पर नजर गई, वे भी नाबालिग से गैंगरेप कर फरार हो गए। भयभीत नाबालिग मेयो अस्पताल चौक पर लोगों से मदद की गुहार करने लगी। मुंबई जाना बताने पर 2 बाइक सवारों ने उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया। देर रात पुलिस के गश्ती दल को नाबालिग स्टेशन परिसर में नजर आई। उन्होंने उसे महिला बाल गृह में भेज दिया। वहां नाबालिग ने बाल कल्याण समिति को आपबीती बताई। समिति की सूचना पर जीआरपी ने नाबालिग का बयान दर्ज किया, जिसमें मानस चौक से उसे अगवा कर उससे गैंगरेप किए जाने का खुलासा हुआ। बता दें कि नाबालिग से गैंगरेप दूसरी बार हुआ है। इससे पहले उसे इमामवाड़ा थाना परिसर में शिकार बनाया गया था। कई दिन महिला बाल गृह में बिताने के बाद वह घर लौटी थी, लेकिन परिजनों के सख्ती बरतने से उसकी उनसे अनबन होती रहती थी। वारदात में लिप्त 6 में से 4 आरोपी ऑटो चालक हैं, जबकि 2 कुली बताए जा रहे हैं। सभी रेलवे स्टेशन पर सक्रिय रहते हैं। इस वारदात से रेलवे स्टेशन अवांछित गतिविधियों का केंद्र होने का पता चलता है। तो वही नाबालिग से दूसरी बार मेयो अस्पताल चौक पर ऑटो में ही गैंगरेप किया गया। मेयो अस्पताल चौक सुरक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ रात के वक्त भी पुलिस की गश्त होती है। ऐसे में यहाँ सड़क के किनारे ही गैंगरेप होना पुलिस के वजूद पर भी सवाल खड़े करती है। ये थी नागपुर से हमारे सूत्रों की विशेष रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।